तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ आप खुद देख सकते हैं, साइला सिटी हाईवे पे, जो जालूर साइला हाईवे वहाँ पे, जो हमारे पीछे जो दिख रहा है आप हनुमान जी का मंदिर मूर्ति देखिए, बहुत ही बड़ी मूर्ति है जो लगभग हो सकती है 32 फुट के लगभग। और ये साइड में मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है। तो यहाँ पर देखने लायक है बहुत ही कुछ नज़ारा। तो आप यहाँ पर खड़े देखिए, गाय के लिए अवाड़ा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पानी जिसमें होता है, इसमें अभी पानी नहीं है। तो इधर पीछे जो गौशाला है यहाँ पर गायें बैठी है। तो अभी आपको चलते हैं अंदर, तो चलिए गाइस हमारे साथ और अंदर का कुछ आपको व्यू दिखाएंगे। ओके, अभी हम पीछे वाले कैमरे से बताएंगे। पीछे वाले कैमरे में क्या क्वालिटी अच्छी रहती है, ये सिर्फ आपको फ्रंट कैमरे से मैं सिर्फ इतना लेता हूँ कि आपको वेलकम करने में, मुझे मेरे फेस से वेलकम करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे भी कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा बहुत धीरे धीरे बोलता जाता अच्छा लगता है। ठीक है, तो गाइस बने रही वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और लाइक कर देना प्यार से, दिल से कर देना। ठीक है, तो अभी ये मंदिर चलते हैं। सो गाइस हम आ गए मंदिर के बहुत ही करीब। देखिए इधर मूर्ति है हनुमान जी की विशाल आकार में। देखिए सामने मंदिर है, मेन मुख्य मंदिर। देखिए मुख्य मंदिर के दोनों साइड हनुमान जी की मूर्तियाँ लगी हुई है बड़ी बड़ी, और ऊपर भी कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी है, खासकर राम सीता लक्ष्मण की अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग जो रामायण में अलग अलग जगह पे हुए थे कार्य उसके उपलक्ष में है। देखिए यहाँ पर हनुमान जी के कंधे के ऊपर बैठे हुए राम और लक्ष्मण, जो रामायण में बताया गया उसी हिसाब के बराबर। और यहाँ पर माता लक्ष्मी का फोटो है। अब मंदिर के सारा और का आपको दिखाएंगे साइड वाला भाग, मंदिर के सारा और छोटी छोटी बारीक में बहुत ही डिजाइन में बनाई हुई है मूर्तियाँ। ये देखिए द्वारकाधीश, और आगे विष्णु भगवान की मूर्ति है, आप देख सकते हैं ये आप आसानी से देखिए। और इससे आगे संत ऋषि मुनि की कोई मूर्ति है, और इसके आगे भी संत ऋषि मुनि की कोई मूर्ति है। यहाँ पर स्पष्ट नाम नहीं है बट मूर्तियाँ है। तो आपको जो है बढ़िया व्यू है यहाँ का दिखाने लायक, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। और ये साइला में स्थित जालोर टू साइला हाईवे जाता है, नेशनल जालोर टू बाड़मेर नेशनल हाईवे वहाँ पर स्थित है ये। देखिए यहाँ पर भी रामचंद्र जी का मूर्ति लगी है, छोटा सा मंदिर साइड में। ठीक है, ऊपर शिव जी की है आकृति, शंख बजा रहे है, बैलों की आकृति है, ये गुलाब के फूल है। और एक साइड में और सत्रह की टाइप में है जो आप देख सकते हैं, आपको नज़दीक जाके मैं बता रहा हूँ। देखिए ये सारा और कवर किया हुआ है स्टील की। और ये देखिए मूर्तियाँ अभी इस पर पेंटिंग करनी बाकी है, ऐसे ही रखी हुई है, अभी अंदर पेंटिंग का काम चल रहा है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए पिलर वगैरह पे, पिलरों पर कितनी शानदार छोटी छोटी साइज में, बहुत ही बारीक साइज में डिजाइन है। तो देखिए ये साइड में हनुमान जी की विशाल काय मूर्ति है, जिसकी लंबाई लगभग 30 फुट के आसपास हो ही जाएगी। और ये मंदिर के ऊपर की छोटी छोटी साइज में मूर्तियाँ बनी है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, अनगिनित है, समझो तो अनगिनित है। और मैं आपको ऊपरी भाग दिखा रहा हूँ, बाहर से दिखा दिया पूरा, और अंदर जाके भी बताऊँगा मैं। देखिए आप देख सकते खुद कितनी आकर्षक, मुझे बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है, बहुत ही देखने लायक मूर्तियाँ ये। और अभी हम आ गए अंदर मंदिर के अंदर, अंदर भी अमेजिंग व्यू है जो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ में साथ ही दिनेश कुमार, वो हमारे साथ में हैं, आगे चल रहे हैं, और हम मंदिर के बहुत ही करीब आ गए। देखिए अंदर राम जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता, और उसके शरणा में है हनुमान जी की मूर्ति। तो देखिए ये राम लक्ष्मण और हनुमान सीता सारों का मंदिर है मिक्स में। और ये देखिए यहाँ पर डिजाइन में, देखिए मोर्निंग बनाई हुई है, मोर्निंग पर डिजाइन है। यहाँ पर मूर्ति है, देखो कृष्ण मुराल, श्री कृष्ण भगवान, यहाँ पर कौन विष्णु भगवान है, और यहाँ पर ऋषि मुनि जी है, और यहाँ पर भी कोई ऋषि मुनि है,
ये मंदिर के सारा और परिक्रमा लगाते हैं ना, वहाँ का व्यू है। मंदिर सेंटर में है और इसके सारा और परिक्रमा लगाते हैं, वहीं भी मूर्तियाँ हैं जो कैलाश धाम विष्णुगढ़ में लगाई हुई ना मूर्तियाँ, 12 12 अलग अलग स्थलों की। वो देखो परशुराम जी से महाराज भी है इधर, और ये कबीर संत, और यहाँ पर एक और मूर्ति है, और ये स्टैंड बनाया हुआ है जो मैंने बोला था ना। और देखिए ये ऊपर, और ऊपर के देख सकते हैं आप उल्टी सीलिंग, सीलिंग में कितनी अच्छी सी डिजाइन बनाई गई है। देखिए मुझे यहाँ की डिजाइन बहुत ही बारीक बारीक की डिजाइन है, और वो बहुत अच्छी लगी। और इसका पेंटिंग कलर है वो खासकर अमेजिंग है। देखिए बहुत सारे रंगों का इसमें उपयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, कारीगर से कुछ बातचीत करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी काम चल रहा है दोबारा, पहले पेंट हुआ सो एक बार फिर भी आया था मैं वहाँ पर, उस समय मैंने वीडियो नहीं शूट किया। इस यहाँ का हमने दृश्य देख लिया है और आपको दिखा दिया है, और आप वीडियो जब आएगा तब देख लेना पूरे अच्छे से, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर कुछ मिस्त्री काम कर रहे हैं, वो तमिलनाडु से, उससे मैंने बातचीत करने की कोशिश की। तो पहले मैंने पूछा, परमिशन ली कि भाई वीडियो बना सकते, तो परमिशन तो, मगर उसे हिंदी आता ही नहीं, तो ठीक है मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। तो वीडियो पे बने रहे, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए चैनल, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने भाई का सपोर्ट करना, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना, ठीक है। तो अभी हमारे साथी जो साथ में है वो आ रहे हैं, दिनेश कुमार, और अभी यहाँ पर खड़ी है हमारी बाइक, देखिए वहाँ पर बैल के आगे, तो वहाँ पर बैठेंगे और आ जाएंगे।